हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा जो है मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया है, तो उसमें जो है आज हम लोग मॉडल क्वेश्चन रीजनिंग पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो है रीजनिंग से रिलेटेड जो है 10 क्वेश्चन इसमें जारी किया गया है। तो इसमें आप देखेंगे जितना भी क्वेश्चन है बैंकिंग पैटर्न में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी पैटर्न पर जो है इसमें जो है इसका मॉडल क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो देखते हैं इसमें आज का पहला सवाल। नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे प्रत्येक 5 की गिनती कीजिए जिसके तुरंत पहले 3 नहीं है किंतु तुरंत बाद 7 है। तो 5 के तुरंत पहले 3 नहीं होना चाहिए किंतु तुरंत बाद 7 है, ऐसे कितने 5 है। तो पहला इसमें पहले ये एक यहाँ हो जाएगा, इसमें पहले 3 नहीं है लेकिन बाद में 7 है। यहाँ 5, पहले 3 यहाँ पर आ गया, यहाँ ये नहीं होगा, ये 5 फिर यहाँ हो गया यहाँ, लेकिन बाद में 7 नहीं है। बाद में 7 क्यों होना चाहिए? ये यहाँ पहले 3 नहीं है, बाद में 7 है, दूसरा यहाँ मिल गया 5, पहले 3 नहीं है यहाँ लेकिन 7 है बाद में, और ये 5, तो इसमें पहले इसमें बाद में 7 नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कि इसमें जो है टोटल 1, 2, 3 इसमें ऐसे 5 जो है 3 मिलेगा। ये बिल्कुल जो है बैंकिंग क्वेश्चन से लिया गया है, बैंकिंग क्वेश्चन का। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये डायरेक्शन रिलेटेड सवाल है। इस तरह का सवाल जो है एसएससी में भी पूछा जाता है, बैंकिंग में भी पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरह से हम लोग इसका डायरेक्शन चलेंगे। यह क्वेश्चन इसमें दिया गया, दूसरा क्वेश्चन, परांदा शहर ग्रीन लेक में है, अकरम शहर परांदा के पश्चिम में है, तो खाड़ा अकरम के पूर्व में किंतु परांदा के पश्चिम में है, काकरन बोपरी के पूर्व में किंतु तो खाड़ा और अकरम के पश्चिम में है, ये सभी एक ही ज़िले में हैं, तो कौन सा शहर पश्चिम में सबसे दूर स्थित है। तो इसको जो है सबसे स्टार्टिंग में जो है परांदा शहर आया है, ग्रीन लेक में है, तो इसमें जो है आप यहाँ बना लीजिए परांदा शहर, ये हो गया, ये जगह का नाम हो गया परांदा शहर ग्रीन लेक में है। अकरा बोला जा रहा है, अकरम शहर परांदा के पश्चिम में है, तो इसको अगर हम लोग बेस मान लें, आइडियल मान लें, यहीं से हम लोग डायरेक्शन आगे पीछे करेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इसी पॉइंट से करेंगे, रेफरेंस पॉइंट इसको हम लोग मान लेते हैं। परांदा शहर ग्रीन लेक में, अकरम शहर जो है परांदा के पश्चिम में है, ये हो गया रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो इसका पश्चिम में, इसका पश्चिम तो इस साइड हो जाएगा करा अकरम, ये हो गया अकरम, तो ये हो गया इसके पश्चिम में, तो खाड़ा, तो खाड़ा अकरम के पूर्व में है, तो इसका पूर्व हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग लेके चलें तो खाड़ा अकरम के पूर्व में किंतु परांदा के पश्चिम में है, तो अकरम का पूर्व जो है यहाँ से इस तरह से इस डायरेक्शन से हम लोग देखें, ये तो पश्चिम हो गया, तो इसके पूर्व, पूर्व हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, हाँ किंतु परांदा के पश्चिम में, उसके इससे जो है पश्चिम होना चाहिए और इससे पूर्व, तो इसका मतलब इसके ये दोनों के बीच में ही कहीं परिस्थित होगा, तो ये हो गया बीच में, तो खाड़ा, तो खाड़ा अकरम के पूर्व में हो गया, अकरम के पूर्व में, पूर्व डायरेक्शन में इसका हो गया, और किंतु परांदा के पश्चिम में, परांदा से अगर हम लोग देखेंगे इसको, अगर परांदा को अगर रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर अगर हम मान के चलेंगे तब जो है ये हो जाएगा इसका पश्चिम में हो जाएगा। काकरन बोपरी के पूर्व में है किंतु तो खाड़ा और अकरम के पश्चिम में है, तो खाड़ा और अकरम के पश्चिम में हो जाएगा, तो और इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाएगा, काकरन जो है, काकरन काकरन जो है बोपरी के पूर्व में है किंतु तो खाड़ा और अकरम के पश्चिम में है, तो खाड़ा और अकरम के पश्चिम में, मतलब इसके डायरेक्शन से अगर हम लोग देखें तो ये पश्चिम डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में जाएगा, काकरन जो है बोपरी के पूर्व में, तो बोपरी हो जाएगा इस साइड हो जाएगा,
भोपरी, इसके पूर्व में, तो इसके पूर्व जो है जाएगा इस डायरेक्शन में जाएगा इसका भोपरी के, किंतु तो अखाड़ा और अक्रम कफी है, ये सभी एक ही जिले में हैं। तो कौन सा शहर पश्चिम में सबसे दूर स्थित है, तो इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान लिए हैं, रेफरेंस पॉइंट परांदा शहर, तो इसी से हम लोग तुलना कर रहे हैं। तो सभी जो है एक ही डायरेक्शन में, पूरा और पश्चिम के बारे में ही इसमें डायरेक्शन में लिया जा रहा है। तो सबसे दूर में स्थित देख रहे हैं आपके जो है इसमें भोपरी शहर स्थित है, भोपरी, ये तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये सभी एक ही जिले से। तो कौन सा शहर पश्चिम में सबसे दूर है, तो परांदा शहर से सबसे दूर ये नज़दीक हो गया, तो खड़ा, इसके बाद अक्रम हो गया, इसके बाद काकरण हो गया, ये हो गया भोपरी हो गया। तो डायरेक्शन से रिलेटेड भी सवाल जो है अक्सर पूछा जाता है, इसको भी आप अच्छी तरह से इसमें बनाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हक लाने का वाणी से वही संबंध है, जो बहरेपन का निम्न से है, पहला दिया है इसमें कान, दूसरा श्रवण शक्ति, तीसरा गूंगा, चौथा मौन। पांचवा बोलना। तो देखिए हकलाना से क्या प्रभावित हो रहा है, वाणी, वाणी मतलब जो हम लोग शब्द निकल रहा है वो प्रभावित हो रहा है, वाणी से वही संबंध है, हकलाना का जो है वाणी से वही संबंध है, जो बहरेपन मतलब हकलाने से जो है वाणी प्रभावित होता है, तो बहरापन से कौन सा प्रभावित होगा, कान, ये कान तो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा श्रवण शक्ति, इससे जो है सुनाई का शक्ति जो है प्रभावित होता है, ये हमारा आंसर होगा। पौधे का पेड़ से वही संबंध है, पौधे का पेड़ से वही संबंध है, जो
कह रहा पौधे का पेड़ से वही संबंध है। तो पौधा पौधा से पेड़ बनता है, पौधा छोटा होता है उससे बड़ा होकर के पेड़ बनता है। तो इसमें विकल्प में दिया घोड़ा का घोड़ी से, दूसरा है नदी का नाले से, विद्यार्थी का शिक्षक से, पेड़ का फर्नीचर से, कली का फूल से। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नदी का नाला से, नदी और नाला में इसमें क्या संबंध है? इसमें कुछ नहीं है। नदी बड़ा होकर के क्या नाला बनेगा? ये भी नहीं इससे कोई बनता। विद्यार्थी का शिक्षक से, सभी विद्यार्थी क्या बड़ा होकर के शिक्षक ही बनता है, ऐसा भी नहीं। पेड़ का फर्नीचर से, तो ये भी ये इसमें भी नहीं होगा। कली का फूल से ये होगा, सभी पौधा जो है बड़ा होकर के पेड़ बनता है, उसी तरह से जो है सभी कली जो है बड़ा होकर के ये फूल बनना है, ये निश्चित है। तो ये हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है नंबर अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है। जी एच जे एम यहाँ आपको भरना है, यहाँ पर दिया हुआ है भी। तो इसमें जो है अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन जो है अल्फाबेट सीरीज से और नंबर सीरीज से, ये जो है इस पर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। इसमें जो है इसे भी आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। चार से पांच क्वेश्चन जो है आपको निश्चित इससे पूछा जाएगा, या तो फिर नंबर सीरीज रहेगा या तो फिर अल्फ़ाबेट सीरीज रहेगा। तो इसमें जो है हम लोग देखेंगे कितना टर्म से आगे बढ़ रहा है। सेकेंड टर्म जो है फर्स्ट टर्म से कितना आगे से बढ़ रहा है, थर्ड टर्म सेकेंड टर्म से कितना आगे बढ़ रहा है, फोर्थ टर्म थर्ड टर्म से कितना आगे बढ़ रहा है। तो जी एच प्लस वन से आगे बढ़ रहा है, जी एच आई जे प्लस दो से आगे बढ़ रहा है, जे के एल एम प्लस तीन से, तो के हो गया एल हो गया एम तीन से आगे बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट टर्म जो है एक दो तीन ये सीरीज में चल रहा है, तो नेक्स्ट टर्म जो है चार से आगे बढ़ेगा, तो ये प्लस फोर एम एन ओ पी क्यू। तो जो है यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्यू आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्यू आंसर हो गया। अब इसको हमको फिर चेक कर लेना है कि नेक्स्ट टर्म से जो है हमको चेक कर लेना है कि जो बनाए हमारा सही है या फिर गलत है। ये चौथा टर्म से आगे बढ़ रहा था, तो यहाँ जो है इसको पाँचवा टर्म से आगे बढ़ना चाहिए। तो पाँचवा जो है आर एस टी यू वी, तो ये पाँच टर्म से आगे बढ़ रहा है, तो ये हमारा जो आंसर आया है वो सही है। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि शब्द डिप्रेशन यदि सब डिप्रेशन के पहले और दूसरे अक्षर को परस्पर बदल दिया जाए, तीसरे और चौथे और इसी क्रम में
सभी अक्षरों को। तो दाएं से सातवां अक्षर, निम्न में से कौन होगा? इसमें विकल्प दिए हैं आर ओ एस आई नन, कोई नहीं। तो इसमें बोला जा रहा है यदि सब डिप्रेशन को, यदि सब डिप्रेशन के पहले और दूसरे अक्षर को परस्पर बदल दिया जाए, तो यहाँ लिख लीजिए डिप्रेशन। तो इसमें जो है पहला कह रहा है यदि शब्द डिप्रेशन के पहले और दूसरे अक्षर को, इसमें जो है पहला बदल दीजिए, इसका पहला का एक दूसरे से, तो ई डी हो गया, डी ई तो ई डी, पी आर तो आर पी, इसी क्रम में कर रहा है तीसरा और चौथा, और इसी क्रम में सभी अक्षरों को बदल दिया जाए, सभी अक्षरों को बदल दिया जाए। तो दाएं से सातवां अक्षर निम्न में से कौन सा होगा? तो डिप्रेशन इसका आर पी हो गया, इसका एस ई हो जाएगा, इसका आई एस हो गया, इसका एन ओ हो गया। तो दाएं से सातवां, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो ये हमारा आंसर पी हो जाएगा। तो पी इसमें नहीं है विकल्प में, तो ये हमारा कोई नहीं हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पति है, निम्न में कौन सा पी जो है क्यू का पिता होगा? ये पूछा जा रहा है। तो इसमें विकल्प दिया है क्यू स्टार एम इंटू पी, बी में दिया है पी स्टार क्यू, सी में विकल्प है क्यू स्टार पी, डी में दिया है पी इंटू एम स्टार क्यू, ई में दिया है नन, इनमें से कोई नहीं। तो जो है इसमें बोला जा रहा है ए जो है ए स्टार बी, ए स्टार बी का अर्थ है ए जो है बी की माता है, ए जो है
बी की माता हो गया, तो ये हो गया पुत्र या पुत्री हो जाएगा, ए स्टार बी ये हो गया, और ए इंटू बी, ए इंटू बी का मतलब है ए जो है बी का पति है, ये हो गया पति हो गया, तो ये पत्नी हो जाएगा ए इंटू बी। अब इसी के आधार पर दो कंडीशन हमको दिया हुआ है, उसी के आधार पर हमको बताना है निम्न में कौन सा पी जो है, निम्न में कौन सा विकल्प में पी जो है क्यू का पिता होगा, पी जो है क्यू का पिता होगा। तो इसमें देखिए पहला क्यू स्टार एम, तो क्यू स्टार एम, क्यू स्टार एम का मतलब क्या हो गया क्यू एम, तो ये माता हो जाएगा, माता क्यू जो है माता हो जाएगा, ये पुत्र या पुत्री हो गया। अब क्यू जो है एम की माता हो गया, एम एम इंटू पी, एम इंटू पी का मतलब है, एम इंटू पी का मतलब ये पति हो जाएगा और ये पत्नी हो गया। तब बताइए इसमें जो है पी जो है क्यू का पिता होगा, पी जो है क्यू का पिता हो रहा, ये तो पी भी हो गया लेडीज हो गया, पी भी पत्नी हो गया, पी पत्नी हो गया, क्यू भी माता हो गया, तो पी जो है क्यू का पिता होगा, इसमें गलत हो रहा है, पहला हमारा गलत हो गया विकल्प, ये विकल्प गलत हो गया। दूसरा विकल्प आते हैं पी स्टार क्यू, तो पी स्टार क्यू इसमें बोल रहा है पी स्टार क्यू, तो इसमें पी जो है होगा क्यू की माता हो जाएगा, पी जो है क्यू की माता हो गया, तो पी जो है क्यू का पिता होगा, तो यहाँ पर माता हो रहा है, ये भी कंडीशन गलत बता रहा है। नेक्स्ट आते हैं क्यू स्टार पी, क्यू स्टार पी, तो क्यू पी स्टार क्यू हो गया माता हो गया, ये हो गया पुत्र या पुत्री, पुत्र या पुत्री, पी जो है क्यू का पिता है, पी जो है क्यू का पिता है, यहाँ पर क्यू ही माता है, पी का माता है, तो ये भी हमारा विकल्प गलत बता रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पी इंटू एम स्टार क्यू, तो पी इंटू एम, पी इंटू एम, पी इंटू एम बता रहा है पी जो है पति है, पी एम, पी जो है एम का पति है, तो ये हो गया पत्नी हो गया। अब देखिए एम स्टार क्यू, स्टार क्यू, तो एम जो है माता हो जाएगा क्यू का, क्यू का यहाँ पर ये क्यू की माँ हो गया एम, तो क्यू हो गया पुत्र या पुत्री, पुत्र या पुत्री, तो ये माँ हो गया उसका माता एम, और ये इसका पत्नी है, तो ये पिता हो जाएगा पी, इसका पिता हो जाएगा, तो ये हमारा विकल्प जो है सही हो रहा है, ये पुत्र या पुत्री है, ये माता है और ये उसका पिता हो रहा है, इसका पति हो रहा है, तो यहाँ पर ये पिता हो रहा है, तो ये हमारा डी नंबर विकल्प सही है। तो इस तरह का सवाल पर भी प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह का सवाल भी पूछा जाता है, ये बैंकिंग एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा जाता है, तो मॉडल क्वेश्चंस में दिया गया है, तो आपको इस पर भी तैयार करना है। इसे मॉडल क्वेश्चन में देने का मतलब है कि आपको इस तरह का सवाल जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आठवां क्वेश्चन है। अशोक पी बिंदु पर खड़ा है,
वह दक्षिण की ओर 10 मीटर चला। फिर वह पश्चिम की ओर 20 मीटर चला। फिर वह दक्षिण की ओर 10 मीटर चला। फिर वह पूर्व की ओर 20 मीटर चला। फिर वह उत्तर की ओर 5 मीटर चला। और क्यू बिंदु पर पहुंचा। तो पी और क्यू के बीच 1 मीटर में कितना है तो ये भी डायरेक्शन से रिलेटेड सवाल है। विकल्प में दिया है आपको 0, 5, 10, 15, none। तो ये डायरेक्शन से रिलेटेड सवाल है। तो इसमें जो है हम लोग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यही स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो करते हैं। आप देखिए अशोक पी बिंदु पर खड़ा है, तो पी को रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए। पी को आपको यहाँ पर मानना है, यहाँ पर खड़ा है तो मान के चलना है पी यहाँ पर है। तो इसी से हम लोग तुलना करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं पी, अशोक जो है पी बिंदु पर खड़ा है, वह दक्षिण की ओर 10 मीटर चला। तो दक्षिण की ओर तो नीचे की ओर आएगा, ये 10 मीटर हो गया पी लिखिए। वह दक्षिण की ओर 10 मीटर चला। फिर वह पश्चिम की ओर 20 मीटर, पश्चिम की ओर 20 मीटर, ये हो गया 20 मीटर। फिर वह दक्षिण की ओर 10 मीटर चला, तो फिर वह दक्षिण की ओर, तो दक्षिण नीचे की ओर आएगा, दक्षिण की ओर फिर 10 मीटर आ रहा है ये। फिर वह दक्षिण की ओर 10 मीटर चला। फिर वह पूर्व की ओर 20 मीटर चला, तो पूर्व की ओर इस डायरेक्शन में आएगा। तो 20 मीटर ये भी है, तो 20 मीटर ये भी है, दोनों का पॉइंट जो है सामने सामने होगा। पूर्व की ओर 20 मीटर, फिर वह उत्तर की ओर 5 मीटर चला। तो यहाँ से उत्तर की ओर आएगा तो ऊपर की ओर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग तुलना कर रहे हैं, इसके नीचे में है, हम लोग दक्षिण के पॉइंट पर यहाँ पर स्थित है। तो इसका हमको उत्तर में आना है, उत्तर तो सीधा की ओर जाएंगे, उत्तर की ओर 5 मीटर। तो यहाँ से जो है 5 मीटर ये चल रहा है।
और क्यू बिंदु पर पहुंचा, ये पॉइंट आया, हमको मिल गया क्यू। तो पी और क्यू के बीच में दूरी कितना है? तो आपको बताना है पी और क्यू के बीच में सीधा अंतर कितना होगा। तो पी यहाँ पर खड़ा स्थित है, तो ये दूरी हो गया 10 मीटर, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक दूरी 10 मीटर हो गया। और पी बिंदु पर खड़ा है, यहाँ से इसका ये पूरा दूरी 10 मीटर है, तो इसका आधा दूरी 5 मीटर पड़ा है, तो ये दूरी जो हो गया इसका आधा जो बचा यहाँ से हमको लेना है, यहाँ से तो ये दूरी बचा 5 मीटर, ये दोनों के बीच में 5 मीटर और 10 मीटर यहाँ आता, 5 प्लस 10 हो गया 15 मीटर। तो ये हमारा विकल्प, ये सही होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी कूट भाषा में सेंट को डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, स्लैश और आंट को इनटू माइनस के रूप में लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में टेन कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें विकल्प में दिया है आपको प्लस भाग गुना, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, सी में दिया है, इनटू डिवीजन माइनस स्टार माइनस मल्टीप्लिकेशन माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। इसमें पांच विकल्प आपको दिया हुआ है। तो कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में सेंट को हम लोग लिख रहे हैं, सेंट को लिख रहे हैं डिवीजन मल्टीप्लिकेशन माइनस स्लैश, तो ये हो गया। और आंट को, आंट को लिख रहे हैं स्टार मल्टीप्लिकेशन और माइनस, तो हमको लिखना है टेन को किस रूप में लिखेंगे, टेन। तो यहाँ पर देखिए एस का कोड अगर हम लोग ये मान के चलते हैं कि डिवीजन है, ई का कोड जो है मल्टीप्लिकेशन है, एन का कोड माइनस है, तो टी का स्लैश है। तब यहाँ पर देखिए टी का कोड यहाँ स्लैश हो रहा है, टी का कोड यहाँ माइनस हो रहा है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा कि स्लैश लेके चलें कि माइनस लेके चलें, तो यहाँ पर आपको गलत हो जाएगा। तो वैसे हम लोग डायरेक्ट इसको कोड करके नहीं लिख सकते हैं कि एस का कोड जो है डिवीजन होगा, ई का कोड मल्टीप्लिकेशन होगा, एन का कोड माइनस हो जाएगा। तो एन का कोड अगर यहाँ पर आप माइनस लेके चलते हैं तो एन का कोड यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो यहाँ भी कंट्रोवर्सी उत्पन्न होता है एन और टी दोनों में। तो यहाँ पर आपको जो है दूसरा तरीका से सोचना है। तो इसमें भी देखिए एन और टी इसमें भी कॉमन है, एन और टी इसमें भी कॉमन है, तो एन और टी के लिए जो है कोड आ रहा है ये दोनों में। देखिए इसमें
एन और टी, तो एन और टी के लिए इसमें भी मल्टीप्लिकेशन इंटू माइनस, मल्टीप्लिकेशन और माइनस ये दोनों में भी कॉमन है, तो एन टी के लिए कोड जो है, एन टी के लिए कोड हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन इंटू माइनस, ये कोड हमको मिल जाएगा। तो अब जो है हमको लिखना है क्या, एन टी टेन लिखना है, टेन, तो टी के जगह पर जो है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, टी माइनस हो गया। ई, अब ई लिखना है हमको, ई और एन, एन के लिए कोड हो जाएगा इनटू मल्टीप्लिकेशन। अब हमको ई का कोड नहीं मालूम है, ई का कोड जो है इसमें, अब देखिए इसमें निकल गया एन टी, एन टी के लिए कोड जो है मल्टीप्लिकेशन और माइनस निकल गया, तो यहाँ पर बचा हमको डिवीजन और फिर स्लैश, तो ये दोनों में से कोड हो सकता है, या तो डिवीजन होगा ई का कोड, ई का कोड एस और ई का कोड, एस और ई का कोड दोनों के लिए तो हम अलग अलग नहीं निकाल सकते हैं इसमें। अब ये दो वर्ड एक साथ आ रहा है, तो ई के लिए जो है हम लोग डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन लेंगे, तो यहाँ पर जो है माइनस डिवीजन हो सकता है मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा कोड माइनस स्लैश मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों में से कोई कोड हो सकता है। तब विकल्प में आप देखेंगे तो इसमें स्लैश वाला विकल्प नहीं है, तो ये बच जाता है हमारा, ये विकल्प सिर्फ यही बचता है, तो ये हमारा काम और आसान हो गया, तो ये हमारा माइनस डिवीजन इंटू मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ई का ऑप्शन। एक लास्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं, ये मैथमेटिक्स का भी सवाल है और रीजनिंग का भी सवाल है, रीजनिंग में भी ये पूछा जाता है अक्सर, एवरेज से जो है नौ व्यक्तियों का औसत भार 50 किलोग्राम है, पहले पांच व्यक्तियों का औसत भार 45 किलोग्राम है, और अंतिम पांच व्यक्तियों का औसत भार 55 किलोग्राम है, पांचवें व्यक्ति का भार कितना है, ये हमको निकालना है। विकल्प में दिया आपको 45, 47.5, 50, 52.5, नन, इनमें से कोई नहीं,
देखिए, नौ व्यक्तियों का औसत भार दिया हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया टोटल नौ व्यक्ति हो गया। नौ व्यक्तियों का औसत भार तो मान लेते हैं टोटल का वजन हो गया x हो गया, टोटल नौ आदमी का वजन x x किलोग्राम है, तो x बाय नाइन हो जाएगा। x बाय नाइन इजकल टू हमको दिया हुआ है नौ व्यक्तियों का औसत भार 50 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम, तो x बराबर हो जाएगा 50 × 9, तो x बराबर हमको मिल गया 450 किलोग्राम, मतलब टोटल नौ व्यक्तियों का भार जो है हमको मिल गया 450 किलोग्राम। पहले पांच व्यक्तियों का औसत भार 45 किलोग्राम है, पहला पांच, तो पहला पांच यहाँ से यहाँ तक हो गया, पहला पांच का इसको मान लीजिए कि टोटल वजन इसका वाई, तो वाई बाय फाइव बराबर हो जाएगा 45 किलोग्राम, तो वाई बराबर हो जाएगा 45 × 5, दो सौ पच्चीस किलोग्राम हमको मिल गया एक से लेकर के पाँच तक का औसत वजन। और अंतिम पांच व्यक्तियों का औसत भार 55 किलोग्राम है, अंतिम पांच का दिया हुआ है, अंतिम पांच का फिर से इसको इंक्लूड किया है पांच से लेकर नौ तक, तो इस पर हम लोग नहीं जाएंगे। तो इसमें जो है और आपको कन्फ्यूजन बढ़ाने के लिए दिया गया है कि अंतिम पाँच व्यक्तियों का औसत वजन जो है 55 किलोग्राम, पाँचवें व्यक्ति का भार हमको फिर निकालना है, इसका निकालना है इंडिविजुअल। तो इस पर वैसे हम लोग नहीं जा करके, पाँच तक का वजन निकला हुआ, पाँच तक का वजन जो है 225 किलोग्राम और टोटल का वजन दिया हुआ 450 किलोग्राम, तो 450 किलोग्राम टोटल का वजन हो गया और पांच आदमी का वजन हो गया 225 किलोग्राम। तो इसका भी हमको मिल गया औसत भार जो है 225 किलोग्राम चार आदमी का, तो चार आदमी का मिल गया हमको औसत वजन, नहीं इसका टोटल वजन मिल गया हमको चार आदमी का 225 किलोग्राम। अब आइए लास्ट जो दिया हुआ, अंतिम पांच व्यक्तियों का औसत भार 55 किलोग्राम है, अंतिम पांच फिर यहाँ से यहाँ तक ले रहा है पांच व्यक्ति का, पांच को इंक्लूड किया है इसमें, तो 5, 6, 7, 8, 9 इसका, 5, 6, 7, 8, 9 बाय पांच आदमी का है, तो पांच आदमी इसका औसत भार 55 किलोग्राम, तो 5, 6, 7, 8, 9 पांच नहीं मालूम है हमको, पांचवा व्यक्ति का, पांचवा व्यक्ति इसमें वजन नहीं इसमें जोड़ना है, 6, 7, 8, 9 का जो अभी निकाले हैं 450 में 225 घटा दीजिए तो ये निकल गया 225 और ये हो गया 5 × 5 27 हो जाएगा, और पांचवा व्यक्ति का वजन हो जाएगा 275 − 225, ये निकल गया हमको 50 किलो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जितने इसमें जितना भी हम लोग क्वेश्चन देखे हैं 10 क्वेश्चन जो है सभी जो है बैंकिंग से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया, कुछ क्वेश्चन जो है एसएससी में भी पूछा गया, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें जो है आप बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लें तो जो है आप जो है आसानी से इस तरह के सवाल को हल कर सकते हैं। तो इसमें जो लोग जिनका जो है 10 में 10 जो है सॉल्व हो जाएगा तो उनका जो है वो आसानी से जो है एग्जाम में उनका बना सकते हैं, 10 में 10 जो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए होंगे रीजनिंग का तो उनका सिलेक्शन होने का संभावना बना जाएगा। इसमें भी दिया गया था स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया गया है BIS के द्वारा जो जारी किया गया है, ऐसे ही जो है इसमें मॉडल क्वेश्चंस आपके लिए बनाया गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।